मेरी एलजी साहब से या आला हुकाम से एडमिनिस्ट्रेशन से ये इल्तिजा है, गुजारिश है कि जो जिन एस्पिरेंट्स को आपने यहाँ पे बंद किया है ट्रस्ट कॉलेज श्रीनगर में, उनको छोड़ दीजिए आप। उनका कसूर क्या है मुझे बताइए। यही ना कि उन्होंने अपने हक के लिए लड़ा, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, इसीलिए आप उनको डिटेन कर रहे हो, इसीलिए मारपीट कर रहे हो उनके साथ, इसीलिए सुबह से शाम तक उनको बंदी बना के रख रहे। अरे वो तो मासूम बच्चे हैं, वो तो आपका फ्यूचर है, और उन्हीं को आप बंद करके रख रहे हो। मुझे बताइए इससे आपको मिलता क्या है? ऐसे मासूम बच्चों को जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ऐसी आवाज़ को आप दबाने के लिए उन मासूमों को आप यहाँ पे बंद करके रख रहे हो। क्या पुलिस जो है मिसयूज़ ऑफ पावर कर रही है? कितने लोगों को डिटेन किया है? ऑलमोस्ट हमारे 30+ एस्पिरेंट जो है वो डिटेन हो गए हैं। पुलिस ने धक्का मुक्की की बहुत ज़्यादा, जिसमें एक लड़के का जो है उसको शायद मुक्का लगा, उसका दांत गिर गया नीचे। क्या पुलिस वाले जो है ये कानून से ऊपर हैं क्या? क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं बनता? इनके खिलाफ तो एक्शन बनता है, क्योंकि हमारा जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये हमसे ये छीन रहे हैं। मुझे बताइए हमसे हमारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो क्या हमारे लिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं है? हमारे लिए राइट्स नहीं है? तो एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ एक तो ज्यादती मत कीजिए, क्योंकि बहुत सताए हुए हैं आप लोगों की वजह से, और मजबूर ना करिए यहाँ पे बार बार आने के लिए। और हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं जिनको आप लोगों ने डिटेन किया है, उनको जल्द अज जल्द अपने यहाँ कीजिए। वी आर हियर इन कश्मीर वैली, प्रताप पब्लिक पार्क यहाँ पे है, और हमारे साथ चिल्लाते हुए फायर एंड एमरजेंसी एस्पिरेंट्स। एलजी शासन को कोई भी असर नहीं हो रहा है, चाहे कितना ही चलाएं, उल्टा इनको डिटेन किया गया है। और पीसफुल प्रोटेस्ट करना क्या असंवैधानिक है? क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ये ट्रांसपेरेंसी है? क्या ये अकाउंटेबिलिटी है? इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। सर, कितना आप आवर स्ट्रगल करना पड़ेगा राइट्स को रिस्टोर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए? देखिए सर, हम तो पिछले 3 सालों से स्ट्रगल करते आ रहे हैं। 3 सालों क्या, असल में तो हम 2013 से करते आ रहे हैं, यानी कि 10 साल हो गए अभी। लेकिन जो कंटिन्यूस स्ट्रगल है हमारी, कंटिन्यूस स्ट्रगल, ज़्यादा हम पिछले 3 सालों से यहाँ पे स्ट्रगल करते आ रहे हैं। होता क्या है कि हम प्रेस कॉल नहीं आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, जम्मू जाते हैं प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, डिटेंशन होती है, हमसे हमारा हक छीना जाता है। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि हमें राइट्स होते हैं कुछ, यानी कि हमारा होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, और वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है हमसे छीना जाता है। जैसे हम प्रेस कॉलोनी में आते हैं, पुलिस आती है, अगर पुलिस को पता नहीं कहाँ से पुश आता है, पीछे से पुश आता है कि इनकी जो आवाज़ें दबानी है ये बाहर नहीं आनी चाहिए। तो आज क्या हुआ, एक लड़की का दांत टूट गया, धक्का मुक्की करते करते उसका दांत टूट गया, हालांकि हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारा मेन लीडर भी है निसार अहमद, उसको यहाँ गले से पकड़ा गया। मुझे बताइए, वो ऑन कैमरा भी आ गया, ऑन कैमरा वो रिकॉर्ड हो गया है। तो आप मुझे बताइए, ये ऐसी कौन सी आफत आई है J&K पे, यहाँ J&K के यूथ पे, कि हमारे गले पकड़े जा रहे हैं, किसी का दांत तोड़ा जा रहा है? किस वजह से, किस वजह से कि ये अपना हक मांग रहे हैं? ना तो ये चरस बेच रहे हैं, ना तो गांजा बेच रहे हैं, ना तो शराब बेच रहे हैं, ना तो कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, ना तो टेररिस्ट के साथ वाबस्ता है। इनके हाथों में कलम है बस, और इसी कलम के बलबूते पे इन्होंने पढ़ा, इसी कलम के बलबूते पे इन्होंने जो है एग्ज़ाम्स दे दिए। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो है भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार होते गया। हम रेस्पेक्ट करते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी सर आंखों पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आप मुझे बताइए कि हमारे संविधान में भी हमें कुछ हक दिए गए हैं, लेकिन जो हमें हक दिए गए हैं उनके साथ सीधी नाइंसाफ़ी की जा रही है। ना तो हमें बोलने दिया जाता है, ना तो बात करने देते हैं। हम प्रोटेस्ट करने आते हैं अपने हक के लिए, हमें डिटेन किया जाता है। कब तक हम डिटेन होते जाएंगे? क्या यूथ जो है वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट ऑफ द कंट्री है, और ब्लूमिंग बर्ड्स ऑफ नेशन है, फ्यूचर है कंट्री का, स्टेट का, क्या इसी को दबाने से, इनके राइट्स को दबाने से क्या इंटॉलरेंस और बढ़ेगी, रेजिस्टेंस और स्ट्रांग होगी, या रिस्की बिहेवियर आएगा यूथ में? सुनिए मेरी बात, जितना ये हम पे अत्याचार करते रहेंगे उतनी हमारी स्ट्रगल जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है हमारी वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि आए दिन हमारे साथ जुल्म होते जा रहे हैं, आए दिन डिटेंशन होती है, मारपीट होती है हमारे साथ। जब बाकी लोग ये देखते हैं तो उनके अंदर भी खून खोलता है, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, वो भी बखूबी जानते हैं कि अगर हम इनका साथ आज नहीं देंगे तो कल हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा ही होगा। आप देखिए, पूरे दुनिया में देखिए, एक्सेप्ट इंडिया, किसी भी कंट्री में आपने देखा कि यूथ सड़कों पे है? कहीं पे भी आप किसी भी कंट्री में आप नहीं देखोगे कि यूथ सड़कों पे है। इंडिया में आप देखिए यूथ सड़कों पे है, कुछ गिने चुने ब्यूरोक्रेट्स की वजह से,
जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने यहाँ पे भ्रष्टाचार की जड़ लगा दी है। और सारी ब्यूरोक्रेट्स एक जैसी नहीं होते, मैं ये नहीं बोलूँ कि सारे के सारे जो है बेईमानी कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, या फेवरिज्म की तरफ ध्यान देते हैं या फेवरिज्म कर रहे हैं, नहीं, कुछ गिने चुने ब्यूरोक्रेट जो है वो हमारे जो कंट्री है, हमारा जो नेशन है, इसका नाम खराब कर रहे हैं। वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड वी रेस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन एट द सेम टाइम इफ वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, देयर मस्ट बी आवर राइट्स। वेयर आर आवर सिटीजन राइट्स? वही तो मैं बोल रहा हूँ, some bureaucrats are doing corruption, it doesn't mean that all bureaucrats are corrupted, kyun kuch bureaucrats ki wajah se hamare mulk ka naam badnaam hota ja raha hai। agar aaye din aap dekhoge ki J&K aaj corruption mein pehle number pe hai। mujhe bataiye, aap ek kisi dusri country ka bata dijiye jahan pe ek bar youth ne protest kiya hoga against government। kya aap ye keh sakte hain ki Jammu Kashmir mein selective टारगेट किया जाता है, चाहे वो यूथ हैं या जो अपने राइट्स के लिए जो हैं डिमांड करें, प्रोटेस्ट करें, डेमोन्स्ट्रेशन करें, क्या उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर होता है या ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग जो बैठे हैं, क्योंकि सेंटर इसको डायरेक्टली गवर्न कर रहा है और वहीं पॉलिटिशियंस लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि भाई सेंटर इस पर गवर्न नहीं कर रहा है, यूथ इज़ आर डायरेक्टली गवर्नड बाय द केंद्र सरकार। तो मैं ये नहीं मानता कि कोई पॉलिटिशियन जो होता है वो गलत होता है, मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो गलत होते हैं। एग्जांपल मैं इसकी आपको देता हूँ, JKPCC की बात लेते हैं, तो कल को कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है फॉर एग्जांपल पुल बनाने का, इनको 100 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, ठीक है, तो अगर ब्यूरोक्रेट एक मंत्री से बोलेगा कि भाई मैं आपको अपना हिस्सा नहीं दूंगा, मुझे ये 100 करोड़ रुपये बराबर इस पुल में इन्वेस्ट करने हैं, तो मुझे बताइए मंत्री कुछ उसका बिगाड़ सकता है, कोई लीडर उसका कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं बिगाड़ सकता। ये ब्यूरोक्रेट ही होता है जो इस लीडर को बोलता है कि 100 करोड़ में से हम 50 करोड़ रुपये बांट लेंगे आपस में, तब जाके जो है करप्शन हो जाता है। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जब अपने राइट्स की हम आवाज़ उठाएँ और वो हमारा रियल काज हो, उसकी आपने एविडेंस भी प्रोड्यूस की है ऑन रिकॉर्ड, क्या उनका साथ देना चाहिए या डेलिब्रेटली पुलिस का मिसयूज़ करके जो है उनको दबाना चाहिए? क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स को भी देखना चाहिए कि भाई हम मिसयूज़ ना हो, क्यों वो प्रेशर में आते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर में, क्या उनको ये नहीं लगता है कि क्या ये सच के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हम क्यों इनको दबाएँ, क्यों टार्चर करें, क्यों हरास करें कंसिस्टेंटली? देखिए, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं J&K के, या हमारे लीडर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी हर किसी स्कैम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, वो भी करप्शन करते हैं, यहाँ पे रिश्वत तो यहाँ पे लेते ही लेते हैं, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं या आप हिंदी में भी बोलते हैं टेबल के नीचे से लेना, वो तो टेबल के नीचे से लेते ही लेते हैं, कोई भी ऑफिसर हो, चपरासी से लेके वो मंत्री तक या बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट भी जो होता है वो टेबल के नीचे से तो वो लेता ही लेता है, फिर वो 50 रुपये ही क्यों ना ले या 5 करोड़ क्यों ना ले। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, वो डरते हैं कि अगर हमने आज इनका साथ दे दिया, कल को इनकी वजह से हमारा जो करप्शन, जो हमने करप्शन किया, जो हमने चाय ली है, वो सामने ना आ जाए और हमारी हो जाए। फिर ये इन्होंने ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल्स जो है लॉन्च किए हैं, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट लाया था, RTI एक्ट लाया था, फिर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, या फिर किस लिए बंद कर दें सब? बात करते हैं BJP की, तो उनकी एक ग्रीवेंस सेल होती है, तो वहाँ पे लास्ट टाइम जम्मू के हमारे कुछ एस्पिरेंट्स मिले थे, वो उनका वो प्रेसिडेंट है, मुझे नहीं पता प्रेसिडेंट है क्या है, वो सत शर्मा जी, तो उन्होंने उस टाइम बोला था कि हम आपकी बात जो है LG साहब तक पहुंचाएंगे, आपको जल्द से जल्द जो है वो इंसाफ दिला देंगे, उसने बोला था कि नेक्स्ट वेनसडे को आना, लेकिन नेक्स्ट वेनसडे जैसे हमारे एस्पिरेंट जाते तो वहाँ तो मिले ही नहीं। LG साहब को हमने 1000 बार अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो ग्रीवेंस डाली कि हमें अपॉइंटमेंट दीजिए, हमने बाई पोस्ट लेटर भी भेज दी, लेकिन वहाँ से जो है कोई जवाब नहीं मिल रहा है। लास्ट टाइम आवाम की आवाज़ एक प्रोग्राम होता है LG साहब का, अभी मैं आपको कॉल हिस्ट्री दिखाता हूँ, एक सेकेंड, मैंने 100 फ़ोन लगाए, बस कॉल एंडेड आ रहा था, उसके बाद मैंने नीचे लिखा, नीचे ट्वीट आया था उनका कि आवाम की आवाज़, मैंने लिखा है LG साहब इस पर फ़ोन नहीं होता है, अगर फ़ोन नहीं होता तो आपने नंबर ही क्यों दिया है? जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनली और अनकंडीशनली, तो इससे फ्यूचर जो है वो क्या देखते हैं आप? हमारा जो फ्यूचर है वो बिल्कुल डार्कनेस की तरफ जा रहा है। आप मुझे बताइए, यहाँ आप देख लीजिए ज़्यादा यूथ जो है वो इन्वॉल्व हो गया है ड्रग्स में, चरस, गांजा, शराब, ठीक है, हमारा जो संविधान है ये भी बोलता है कि शराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी स्टेट की जम्मू में तो पहले से ही थे, अब वहाँ पे भी कुछ नए वो क्या बोलते हैं उनको शराब की दुकानें खोली गई, यहाँ पे भी खोली गई। आपको क्या लगता है इससे यूथ जो है वो खराबी की तरफ जाएगा या पढ़ाई की तरफ जाएगा? ठीक है, अगर ये शराब यहाँ पर ना बिकती तो कोई शराब नहीं पीता,
तो लोग जो होते यहाँ का जो यूथ होता वो पढ़ाई की तरफ जाता, पढ़ता लिखता अच्छे से, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करता, अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाता। हमें बाहर से ऑफिसर्स IAS ऑफिसर्स आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे कश्मीर J&K के खुद के IAS KS ऑफिसर्स होते, हमारे अपने ब्यूरोक्रेट्स होते, बाहर के ब्यूरोक्रेट्स हमें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम यहाँ पे देखो 70% यूथ यहाँ पे ड्रग्स में मुब्तला हो गया है। चर्स, गांजा, वो इंजेक्शन लगाते हैं, वो शराब पीते हैं। शाम को अगर यहाँ लालचुक से ही घूमोगे या डलकर से घूमोगे तो वहाँ पे लाइन लगी हुई होती है शराबियों की। तो इससे बेटर नहीं था कि वो शराब खाने बंद किए जाते और यूथ्स को जो है वो ब्राइटनेस की तरफ, उनका फ्यूचर भी ब्राइट हो जाता, पढ़ाई की तरफ वो जाते, अच्छे बड़े बड़े कॉलेज यहाँ पर खोले जाते, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ खोली जाती, यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता, यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाता, ताकि अगर कल को नौकरी ना मिलती फिर भी जो यहाँ का जो यूथ है वो सेल्फ एम्प्लॉयड बनता, अगर उनको यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है वो उनके जो स्किल जो है वो डेवलप किए जाते, तो यहाँ का यूथ जो होता वो अच्छे से जो है अपना काम करता, अपना खुद का बिजनेस, खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करता और बाकी लोगों को भी वो जॉब प्रोवाइड करता। ये थे हमारे साथ यूथ जम्मू कश्मीर के जो परेशान हैं।